जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के ऊपर जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे हमको देखने को मिलती है। एंड यहां पे जिस कंपनी का हम बात करने वाले हैं वो फार्मा सेक्टर से आने वाली कंपनी हमको देखने को मिलती है। एंड अगर इस कंपनी का रिटर्न्स की बातें करें तो नवंबर से एक कंपनी का अगर आप रिटर्न देखिएगा तो इसने करीब अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को 123 गुना तक अधिक करते हुए हमको देखने को मिल ली, मतलब 123 गुना का प्रॉफिट देते हुए हमको देखने को मिल ली। तो इतनी बड़ी प्रॉफिट आपको देखने को मिल ली तो यहाँ पर हर कोई चाहेगा कि ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करना, क्योंकि हम इस मार्केट में आए हुए ही है कि हम पैसा कमा सके एंड अच्छा खासा पैसा कमा सके। एंड यहां पर अगर नवंबर से मार्च तक का अगर देखेंगे तो आप खुद ही जोड़ सकते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहां पर टोटल चार मंथ में आपको इतना अच्छा अगर कोई भी कंपनी रिटर्न देगा तो जाहिर सी बात है आप सब कंपनी को छोड़कर इसी कंपनी में आना चाहेंगे। सो इसके रिटर्न्स की वजह से यहाँ पे बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है या बड़े इन्वेस्टर दोस्तों उनको मन में भी ये सवाल आ रहा है कि ये कंपनी इतना भाग क्यों रही है एंड इसके पीछे की वजह क्या है। एंड यहाँ देखा जाए तो अगर किसी भी कंपनी में हम एक चीज़ पहले देखते हैं कि कंपनी का जो पैरामीटर्स है वो कैसा है, क्या कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं। तो अगर इस कंपनी की भी बातें करें तो जो हम आगे चेक करेंगे कि ये कंपनी कैसी हमको देखने को मिलती है, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ ये देखेंगे कि हमारी जो कंपनी है दोस्तों, जिस कंपनी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो उस कंपनी का नाम आपको बता देते हैं, ऑर्चिड फार्मा की यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं। तो ऑर्चिड फार्मा की अगर बातें करें तो हर दिन वहाँ पे आपको अपर सर्किट ही देखने को मिल रहे, चाहे मार्केट डाउन हो दोस्तों या मार्केट ऊपर जाए, तो इससे इस कंपनी को कोई भी असर नहीं पड़ रहा। ये कंपनी अपने धुन में ही भागते हुए हमको देखने को मिल रही है, डेली आपको अपर सर्किट ही इस कंपनी में ऐसे ही देखने को मिल रही, सेम आपको इसी तरह का पैटर्न्स इनका देखने को मिलेगा। ये डेली ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा कि अपर सर्किट एंड अपर सर्किट ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए सीधा चलते हैं हम अपने कंपनी के ऊपर। सो यहाँ पर हम अपनी कंपनी ऑर्चिड फार्मा के ऊपर आ गए एंड ये BSE पे आपको देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5% की तेजी आज भी आपको देखने को मिल रही है एंड शेयर प्राइस 2236 आपको देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर आपको मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर डे आपको अपर सर्किट में देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दिन का चार्ट पैटर्न अपर सर्किट, 5 दिन अपर सर्किट, 1 मंथ वो भी अपर सर्किट ही, यहाँ पर देखिए आप शानदार ऊपर ही जाती हुई देखने को मिल रही, 6 महीने की बात करें तो भी अपर सर्किट, एंड 1 ईयर्स की बात करो तो यहाँ पर आपको नवंबर से ही डाटा देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नवंबर में ये कंपनी 18 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रही है एंड अभी की बात करें तो 2236 पर देखने को मिल रही है। रिटर्न्स देखिए आप, रिटर्न्स ही देख करके तो यहाँ पे लोग चौंक जा रहे हैं, 12,322% का रिटर्न्स यहाँ पे देते हुए देखने को मिल रहे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 123 गुना से भी ज़्यादा ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पैसा करते हुए हमको देखने को मिल रही। लेकिन अगर इस कंपनी की बातें करें तो यहाँ पर आप सबसे पहले मार्केट कैप देखें, मार्केट कैप यहाँ पर आप देखेंगे तो 89.14 बिलियंस आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हम हर कंपनी के साथ करते हैं कि हम कंपनी का पैरामीटर्स चेक करते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम इस कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। सो बैलेंस शीट में अगर सबसे पहले हम रिजर्व देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले रिजर्व -763, उसके बाद 8-843 एंड अभी की बातें करें तो प्लस में आपको 1000 करोड़ से भी ज़्यादा आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर लॉन्ग टर्म की बोरोइंग की बात करें, कर्जे की बातें करें तो यहाँ पर आप देख सकते पहले कर्जा आप अधिक देखने को मिल रहा था एंड अभी की बातें करें तो बहुत ही कम होते हुए हमको देखने को मिल रही है। एंड अगर शॉर्ट टर्म की बातें करें तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म में कर्जा है वो पहले 694, फिर 695 एंड अभी कोई भी कर्जा यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रही है। एंड कैश की बातें करें तो कैश भी आप देख सकते हैं कि कैश 301, 324 एंड 174 आपको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ हमको बैलेंस शीट तो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अभी हम बैलेंस शीट को ओके तो बोल सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर्स के ऊपर। सो यहाँ पर हम रेवेन्यू पर आ गए हैं एंड रेवेन्यू अगर देखें तो दिसंबर 19 में आपको रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है एंड उसके बाद अगर देखें तो रेवेन्यू दिसंबर 2020 तक हमको घटते हुए ही देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू घटता है तो हम अक्सर कहते हैं कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट घटता है तो यहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करते हुए देखने को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो मेन आप यहाँ पे देखिए कि नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे पहले ग्राफ देखिए आपको उल्टा देखने को मिल रहा है,
उसके पीछे का कारण ये है कि आप देखिए कि -27 आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो दिसंबर 19 में -27 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल रहा है, एंड दिसंबर 2020 की बातें करूँ तो -44 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो हम कह सकते हैं कि बढ़ते नेट प्रॉफिट जो है माइनस में बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस कंपनी से अगर रेवेन्यू की बात नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो हम इस कंपनी को यहाँ पे ना कहेंगे। तो अब अपने नेक्स्ट पैरामीटर्स की यहाँ पर बातें करें तो यहाँ पे हम प्रमोटर्स होल्डिंग की अगर बातें करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दिसंबर में 26.68% के होल्डिंग प्रमोटर्स इस कंपनी में रख रहे थे, लेकिन अभी दिसंबर में आप देख सकते हैं कि केवल 0.26% के होल्डिंग यहाँ पे ये रख रहे हैं। एंड यहाँ पे जो हरे निशान में आपको देखने को मिल रहा है वो दोस्तों इस उसको बोलते हैं प्लीज, यहाँ पर आपको देखने को भी मिल सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरे निशान में प्लीज एंड ये ग्रे कलर का होल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो प्लीज की अगर बातें करो तो आप देख सकते हैं कि प्लीज आपको इस कंपनी में 99.95% की आपको देखने को मिल रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि इस कंपनी से अब तो हम 100% कह सकते हैं कि इस कंपनी से हमको जरूर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रमोटर्स होल्डिंग जो यहाँ पे 26.0 हुआ है, तो यहाँ पे जो प्लीज थी दोस्तों इन्होंने जो प्लीज यहाँ पे गिरवी रखी हुई थी उस पुलिस को जो जिनके पास इन्होंने गिरवी रखी तो उनको उन्होंने उस पुलिस को बेच दिया, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है अब केवल 0.26 ही देखने को हमको मिल रही है, एंड अभी इसमें भी अगर बात करें तो करीब हम कह सकते हैं कि 100% तक प्लीज वो भी आपको गिरवी में ही देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको जो रिटर्न्स है तो वो तो बहुत ही बम्पर मिलते हुए देखने को मिलते हैं, इतना रिटर्न्स तो कोई भी कंपनी आपको देते हुए देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इनका पैरामीटर्स जो हमने चेक किया उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस कंपनी को हम दूर ही इस कंपनी से रहेंगे, क्योंकि ये कंपनी कभी भी ख़त्म होते हुए हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 100% के पूरी यहाँ पे कंपनी प्लीज ही आपको देखने को मिल रही है। तो अब मेरी यही सलाह है कि आप इस कंपनी से जितना हो सके उतना दूर ही रहे, इस कंपनी को आप सर्च ही ना मारे दोस्तों सब तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये कंपनी कभी भी ख़त्म हो सकती है, एंड ये इतना भाग क्यों रही है इसके पीछे की वजह भी आपको साफ साफ क्लियर है यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलती है। एंड बैलेंस शीट भी देखेंगे दोस्तों, बैलेंस शीट कह रहे हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को साफ साफ मिल रहा है कि वहाँ पे जो इनका नेट प्रॉफिट है वो माइनस में बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कंपनी लगातार भागते जा रही है, प्रमोटर्स होल्डिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो इन सभी पैरामीटर्स को चेक करने के बाद हम एक ही नतीजे पर आए हैं दोस्तों कि इस कंपनी से हमको जितना दूर हो सके उतना दूर हमको रहना चाहिए। सो आई होप आपको आपके सारे सवालों का जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया है दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।